नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आया हूँ केसरिया में और ये बौद्ध स्तूप आप लोग देख रहे हैं, ये बिहार का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये। और दोस्तों अगर बोला जाए तो ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो दोस्तों इसके जी और केसरिया में है तो यहाँ पर एक बाबा है, इनसे पूछते हैं इसके इतिहास के बारे में, ये सारा डिटेल आप लोग को बताएँगे। तो बाबा एक बार बताइए आप केसरिया स्तूप के बारे में। केसरिया स्तूप जो है पहले ही बोलता था देवरा देवरा राजाबेन के गढ़ से, खुदाई होने के बाद में जो मूर्ति निकला है बुद्ध भगवान का, तब केसरिया स्तूप घोषित हुआ। विश्व में सबसे बड़ा अपना यह ऊंचाई है, इसका लंबाई है और यह लंबा चौड़ा में है। जो मूर्ति टूटा फूटा हो गया है भूकंप में, जो धस ओस गया है, टूट गया है, उसको खुदाई हो रहा है, निकाला जा रहा है और उसको बनाया जा रहा है। सेंटर से बन रहा है, भारत सरकार सेंटर से, जो अपने आज्ञा भी इसमें कारोबार लगा हुआ है और चारों ओर से अपना इसका साफ सुथरा हो रहा है, टूटा फूटा है उस सब को तैयार किया जाता है और अपने आज्ञा को इसको अपना सब कोई जो बाहर से आते हैं देखते सुनते हैं और इसको अपने देख सुन कर जाते हैं। इसका जैसे जैसे काम जो है से बढ़ रहा है और अपना काम को अपने जोर शोर में इसको किया जा रहा है, जोर शोर में किया जा रहा है और अब इनका कारोबार स्तूप का जो है से सब दिन के लिए अपना शुरू है। अभी भी काम इसको खुदाई हो रहा है, जोड़ाई हो रहा है। बाबा इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक बात बताइए, मतलब गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे तो इसका निर्माण कैसे हुआ? ये आए गौतम बुद्ध आए हुए थे यहाँ, अपना जाप किए, उसके बाद में अपना शिष्य लोग के आपस करके यहाँ से फिर अपना कुशीनगर गए। कुशीनगर जाने के बाद में तब यहाँ से घूमते फिरते गए तो अंतिम संस्कार हुआ था यहाँ के राजा महाराजा जो शिष्य थे वो ले आया वहाँ से कलश, वहाँ बैठा कर कलश उनके मूर्ति निर्माण कर छोड़ दिया गया। जो निर्माण करके छोड़ दिया गया, जो अपने आंधी तूफान और अपना भूकंप हुआ था उसमें टूट फट गया है, उसको साफ सुथरा हो रहा है उसको, और खुदाई इसको रिपेयर को जो खुदाई हो रहा है, इसके रिपेयर हो रहा है, इसके जोड़ाई हो रहा है, धूमधाम से इसका काम लगा हुआ है। ये जो यहाँ इधर में उस स्तूप का उत्तर साइड में मंदिर एक ठो है राज माता दुर्गा माता को, जो अपने एक बार मंदिर दिखा दीजिए। हाँ उधर देखा होने हुआ से सामने से दिखाइए, सामने से दिखाइए। यह राज माता की मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, जो अपने राजा महाराजा पूजा करते थे उसी समय का ही मंदिर है। जो केसरिया अपना स्तूप से उत्तर साइड में मंदिर सटले है, जो देश विदेश के लोग आते हैं, जो अपने स्तूप का और राज माता का अपना दर्शन करते हैं। और बाबा एक बात बताइए, वो जो बना हुआ है उसके बारे में मैं सुना हूँ कि वो गेस्ट हाउस है, एक बार जूम करके आप दिखाइए वहाँ पे, तो उसके बारे में बताइए कि वहाँ पे कौन कौन से लोग आके रहते हैं। सब विदेशी जो गेस्ट हाउस जो बना हुआ है, जितने विदेशी गाड़ी जो आते हैं सब ठहरते हैं, आम जनता बाहर का जितने आते हैं लोग जो जाके उसको अपने उसमें ठहरते हैं और रुकते हैं, उन लोगों को साधन के लिए हर कुछ उसमें बनाया गया है। अच्छा तो बाबा यहाँ पे मैं कहीं कहीं देखा हूँ कि मूर्ति भी रखा हुआ है, गौतम बुद्ध जी का टूटा हुआ मूर्ति है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वहाँ से जाके देखिए सब मूर्ति। हाँ दिखेगा। तो बाबा इस पर ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा, इसका कारण क्या है? यह कारण है जो मूर्ति अपना जो है सर इसमें रखा हुआ है, जहाँ तक टूटा है जो लात ना पड़े और किसी आदमी को व्यक्ति को उस पैर ना पहुँचे, जो अपने बुद्ध भगवान को अपने मूर्ति पर इसलिए नहीं जाया जाता है, बन जाएगा तो सब कोई ऊपर जाएगा। तो चलिए ये बाबा हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और दोस्तों मैं आप लोग को घूम घूम के ये सारा चीज़ दिखा देता हूँ और वहाँ पे एक मंदिर मूर्ति है वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, तो अंकल जी आप बताइए इसके बारे में कुछ। ये बौद्ध स्तूप जी, ये बौद्ध जी का यहाँ मूर्ति आप देख रहे हैं, मूर्ति देखे हैं? हाँ हाँ, मूर्ति यहाँ पे हम दिखा देते हैं। हाँ मूर्ति है, मैं देखा हूँ एक बार। वो मूर्ति का लोग देश विदेश से पूजा करने आता है, है ना, इसको देखता है, पूजा भी करता है लोग, इस पर चढ़ना मना है। क्यों, किस लिए? किस लिए जो इस पर किसी का मस्तक पर लात नहीं रखा जाए, उसको पूजा किया जाता है, इसलिए इसको देख रेख के लिए
सब सिपाही यहाँ तैनात रहता है। तो अभी यहाँ पे कितना पुलिस फोर्स है? 4-5 है। अच्छा, और एक बात बताइए, जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय राजा यहाँ के कौन थे? बौद्ध जी का है। वो तो है, बौद्ध जी का मतलब स्तूप है ये। यही तो कोई राजा ही निर्माण कराया होगा ना इसका? इनका है, उन्हीं का ना है, दूसरे किसी का थोड़े है, उन्हीं का। अच्छा, ये जो सामने दिख रहा है ये तो इसी के लिए बना है ना? वो जो होटल है, जो टूरिस्ट लोग आएगा वहाँ देखने के लिए, वो यहाँ रहेगा और देख कर फिर जाएगा यहाँ से। मतलब वहाँ पे आम आदमी नहीं रख सकता है, जो लोग बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ पे रहेंगे। यही बात है। चलिए ठीक है फिर, ठीक है, इनसे बहुत बढ़िया जानकारी मिला। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो गौतम बुद्ध है उनका मतलब मूर्ति का जो अंश है टूटा फूटा, वही आपको दिख रहा है, हर एक कंधे में रखा हुआ है। और ऊपर तो जाने के अलावा नहीं है, नहीं तो हम लोग ऊपर जाके आप लोग को दिखाते। तो दोस्तों, इसको मैं चारों तरफ से घूम के आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए, इस ऐतिहासिक धरोहर के नाम पे बहुत ही बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर और हीरो हीरोइन, यहाँ तक कि रामदेव बाबा का प्रोग्राम भी इस एरिया में हो चुका है, मगर इस ग्राउंड के अंदर उन लोगों का प्रोग्राम नहीं होता है। उन लोगों का प्रोग्राम यहाँ से कुछ दूरी पे होता है, जहाँ से स्तूप दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों, जो खर्च इस ग्राउंड के अंदर होना चाहिए वो खर्च हो जाता है यहाँ पर। यानी कि ये विदेशी आएंगे तो इसमें रहेंगे, नहीं आएंगे तो खाली रहेगा। और विदेशी जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आ रहा है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे अभी कोई नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पे दबा के पैसा लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है पैसा लगने में। वही खर्च अगर स्तूप के आसपास में हो, स्तूप में अगर गार्डन वार्डन बना दिया जाए तो स्तूप पूरा विश्व में फेमस हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, मगर आप लोग को सोचना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।